मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी बेसन की एक बहुत ही डिफरेंट और अलग तरीके की सब्ज़ी। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ये एक कटोरी बेसन लेंगे। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच सरसों का तेल। आप सरसों के तेल की जगह रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा। बेसन हमारा गुद गया है। देखिए, हमें इसका डो इस तरीके से सॉफ्ट लगाना है। और अपने हाथ में हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इस बेसन के आटे का हम दो टुकड़ा कर लेंगे और इस तरीके से इसका हम गोला बना लेंगे और अपने हाथ में हम इस तरीके से इसको फैला लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम अपने हाथ में इसे फैला लेंगे और एक पेन या पेंसिल लेंगे। इसको हम अच्छे से इसमें ऑयल से ग्रीस कर देंगे। और इसके बीच में हम इस तरीके से रखकर इसको फोल्ड करके आपस में चिपका देंगे और इसके जो साइड्स हैं इसको हम आपस में इस तरीके से दबा देंगे। और आराम से हम धीरे से इस पेंसिल को इससे हम बाहर खींचकर निकाल लेंगे। देखिए कितने आराम से ये पेंसिल बाहर आ गई है। देखिए इसके अंदर कितने अच्छे तरीके से होल बन गया है। अब इसी तरह से हम दूसरा जो इसका आटा बचा है उसे भी बना लेंगे। ये देखिए, आटे का हमने इस तरीके से ये डिज़ाइन बना लिया है। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस में। गैस पे मैंने पानी रख दिया था बॉईल होने के लिए। अब मैंने जो ये बेसन का आटा बनाया है इसे मैं इसमें डालूंगी और 15 से 20 मिनट के लिए इसे बॉईल होने दूंगी। बीस मिनट हो गया है। देखिए ये अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसे हम निकाल कर दूसरी प्लेट में रख लेंगे। और इसके पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसका इस्तेमाल हम इसकी ग्रेवी बनाने में कर लेंगे। इसे हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। तब तक इसकी ग्रेवी के लिए हम मसाला तैयार कर लेंगे। हम एक मिक्सिंग जार लेंगे, इसमें डालेंगे कुछ लहसुन की कलियाँ, 4 से 5 लाल सूखी मिर्च, अगर आपके पास हरी मिर्च है तो आप हरी मिर्च डालिएगा, कुछ अदरक के टुकड़े, 2 चम्मच पीली वाली सरसों, आप काली वाली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 चम्मच जीरा। और ये थोड़े से खड़े मसाले हैं जिसमें 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 2 से 3 लौंग है और 4 से 5 काली मिर्च है और थोड़े से दालचीनी के टुकड़े हैं। इसे भी हम इसमें डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। मसाला हमारा पिस गया है। अब इसे हम एक कटोरी में पलट लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधे चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर। मिर्च हमने इसमें पहले ही ऐड कर दिया था, इसे हम सिर्फ इसमें कलर देने के लिए डालेंगे। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस सब्ज़ी का मसाला हमारा तैयार है। ऊपर से हम इसमें किसी तरह का कोई मसाला नहीं डालेंगे। अब हम अपने बेसन को देखते हैं जिसे हमने बॉईल करके रखा है। बेसन हमारा ठंडा हो गया है। अब एक चाकू की मदद से हम इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इस बेसन के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और इसकी डिज़ाइन देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो चलिए अब हम इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। अब इनको मैं इस तेल में डाल के फ्राई कर लूँगी। गैस का फ्लेम हम मीडियम से लो फ्लेम पर रखेंगे और इसे एक साइड से अच्छे से हम सिकने देंगे।
दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम निकाल कर दूसरे प्लेट में रख लेंगे। देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है। इसको हम इसी तरीके से हल्का गोल्डन कलर में फ्राई करेंगे। देखिए फ्राई होने के बाद ये कुछ इस तरीके से हैं। आप चाहे तो इन्हें चाय के साथ स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं, या इस तरीके से खाने में भी बहुत अच्छे और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और इसका शेप आप देखेंगे तो ये कुछ कुछ शेप मछली के जैसे दिख रही है। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं। बचे हुए तेल में हम डालेंगे ये थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा हींग। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने मसाले पीस के रखे थे। ये सब्जी को हम बिना टमाटर और प्याज की बना रहे हैं। बिना टमाटर प्याज की भी ये सब्जी बहुत ही बढ़िया बहुत टेस्टी बनती है। अब इस मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि यह तेल न छोड़ दे, और गैस का फ्लेम हमें लो से मीडियम फ्लेम पे रखना है। मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें डालूँगी एक चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड करिएगा। और यह थोड़ा सा कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी आप इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमने जो बेसन को बॉईल किया था वही पानी हम इसमें ऐड करेंगे। अब इस समय आप इसमें नमक और मिर्च को टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम हो तो आप इसमें ऐड कर दीजिए। और हमें इसमें किसी तरीके का कोई भी मसाला नहीं ऐड करना है, क्योंकि हमने इसमें पहले ही सारे मसाले डाल दिए थे। अब इस ग्रेवी को हम बॉईल आने तक पकने देंगे। ग्रेवी में हमारे बॉयल आने लगा है। हम इसमें खटास के लिए दो खटाई का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने इसमें टमाटर का यूज़ नहीं किया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये बेसन जो मैंने फ्राई करके रखे थे। और इसे हम धीमी आंच पे 15 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इस सब्जी का कलर देखिए, देखने में यह सब्जी कितनी बढ़िया दिख रही है, और खाने में भी यह सब्जी बहुत ही टेस्टी है। अब मैं इसमें ऊपर से डालूंगी हरी धनिया, और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। चलिए अब हम इस सब्जी की प्लेटिंग करते हैं। बेसन से बनी हमारी यह सब्जी बनकर तैयार हो गई है। देखिए यह सब्जी देखने में कितनी अच्छी दिख रही है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। इसे मैंने बिना प्याज टमाटर के बनाया है, और यकीन मानिए बिना प्याज टमाटर की भी यह सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि यह सब्जी आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे बनाइए खाइए और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।